अकबर के नौ रत्नों में शामिल सुरों के सम्राट मियां तानसेन को कौन नहीं जानता। उनकी ख्याति देश ही नहीं विदेशों तक विख्यात है। लेकिन क्या आप जानते हैं, तानसेन बचपन में बोल नहीं पाते थे। आइए आज बचपन में तनु पांडे के नाम से जाने जाने वाले मियां तानसेन के बारे में जानते हैं। डॉट मध्य प्रदेश का शहर ग्वालियर एक ऐतिहासिक शहर है, जिसमें ना जाने कितने ही ऐतिहासिक रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा ही एक रहस्य जो कि स्वर सम्राट तानसेन के बचपन की एक घटना से जुड़ा हुआ है। डॉट गौरतलब है कि ग्वालियर से 45 किलोमीटर दूर बेहट गांव में एक नदी बहती है, जिसे झिलमिल कहा जाता है। सदियों से इस नदी के किनारे भगवान भोलेनाथ का एक मंदिर है, जो एक तरफ झुका हुआ है। मंदिर के पुजारी अशोक शास्त्री ने बताया कि यह मंदिर काफी प्राचीन है। यहाँ रहने वाले मकरंद पांडे की कोई औलाद नहीं थी। यहीं पर पूजा आराधना कर उन्होंने भगवान से संतान प्राप्ति की कामना की थी, जिसके फलस्वरूप जब जब उन्हें संतान की प्राप्ति हुई तो वह भी तनुवा के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन वह बालक बोल नहीं पाता था। डॉट बताया जाता है कि तनु पांडे रोजाना झिलमिल नदी के किनारे ही बकरियां चराने जाते थे। रोजाना एक बकरी का दूध निकालकर नदी के किनारे बने भगवान शिव के इस मंदिर में शिवलिंग पर चढ़ाते थे। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी तो तानसेन भगवान शिव पर दूध चढ़ाना भूल गए और अपनी बकरियों को लेकर घर चले गए। लेकिन जब वे शाम के समय भोजन करने बैठे तो उन्हें याद आया कि उन्होंने भगवान शिव पर दूध अर्पित नहीं किया है। वह भी अपना खाना छोड़कर तत्काल बकरी को लेकर मंदिर के बारिश में ही भगवान के पास पहुंच गए। डॉट पुजारी ने बताया कि छोटे से भक्त की इस मासूम भक्ति को देखकर भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें दर्शन देकर बोले, बोलो क्या चाहते हो। तो उन्होंने अपने गले की तरफ इशारा करते हुए आवाज के लिए इशारा किया। भगवान ने कहा कि जितना जोर से बोल सकते हो बोलो। जिसके बाद तानसेन ने भगवान को ऐसी आवाज लगाई कि वह मंदिर भी एक तरफ झुक गया, जो आज भी उनकी भक्ति के प्रमाण स्वरूप झुका हुआ है। इसके बाद वह वहीं पर अपनी संगीत की साधना शुरू कर चुके थे और अलाप लगाने लगे थे। इसके बाद उनके पिता उन्हें ग्वालियर की मोहम्मद गौस के पास लेकर पहुंचे, जहां उन्होंने गौस साहब की निगहबानी में सूफी संगीत की शिक्षा ली। जब उनकी रुचि संगीत की तरफ और बढ़ती गई तो वे वृंदावन के हरिदास महाराज के पास पहुंचे और धीरे धीरे अकबर के दरबार तक पहुंच गए और अकबर के नौ रतों में भी अपनी योग्यता के बल पर शामिल हुए। डॉट कहा जाता है कि जब तानसेन एकांतवास में साधना किया करते थे तो संगीत को सुनने के लिए वन्य प्राणी और पक्षी भी आया करते थे। भगवान की भक्ति और उस भक्तों की भक्ति की शक्ति का प्रमाण आज भी बेहट में मौजूद है, जिसे देखने के लिए देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आते हैं।